सीबीआई द्वारा घोटालों के मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर रामनगर में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भवानीगंज शहीद भगत सिंह चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत के नेतृत्व में प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए पुतला जलाया। आपके प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी को मिटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मिटाने का काम किया है, जिसे भाजपा के लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के खिलाफ फर्जी झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को सबक लेना चाहिए कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इन तानाशाह सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, अन्यथा एक बार फिर देश में तानाशाहों का राज होगा। उन्होंने मनीष सिसोदिया को जल्द बिना शर्त रिहा करने की मांग की है। देखिए, आज देश में तानाशाह की सरकार चल रही है। मनीष सिसोदिया जी को इन्होंने झूठे आरोपों में फंसाया है और झूठे आरोप ये है कि जो दिल्ली सरकार है वो एक अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है और जिस प्रकार से हमारी जो आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है, आज 4-5 राज्यों में केजरीवाल जी एक मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं और उसी की बौखलाहट करके ये नहीं चाहते कि केजरीवाल की पार्टी आगे बढ़े। इन्हें किसी दूसरी अन्य पार्टी से डर नहीं है, सिर्फ आम आदमी पार्टी से डर है और इसलिए हमारे बड़े नेताओं पर मुकदमे दर्ज कर रही है। लेकिन इनकी तानाशाही जनता देख रही है, 2024 में जनता इन्हें जवाब देगी और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी बेकसूर बेदाग होकर के निकलेगी। ऐसी हम जो है कि इसी वजह से आज हम लोग इकट्ठे हुए और हमने केंद्र सरकार जो तानाशाह रवैया अपना रही है उसका पुतला फूंकने का काम किया। रही यही नहीं बल्कि पूरे देश में आज आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है कि मोदी और अमित शाह अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत का शिक्षा मंत्री।